हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, देखें जो है ना वो हमने जो है ना यहाँ तक जो है ना वो किया था, जो अल्फाबेट्स का। अब आगे जो है ना वो हम चलते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये भी जो है ना ये वो पेज के ऊपर जो है ना ये मैंने सारा जो है ना वो लिख दिया था ना। ये देखें, अभी यहाँ पे इसकी कोई एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जो है देखिए, ई आई यहाँ पर आएगा तो उसको हम आई पढ़ेंगे, जैसे आई, ठीक है, आई को कहते हैं एग, ठीक है, आइंस, आइन गांग, ठीक है, एंट्रेंस, ठीक है, आरबाइट, ठीक है, यानी आई की आवाज निकलेगी। हाँ जी, इसी तरह जो है ना वो आई ई जहाँ पे आ जाएगा तो वहां पे ई की आवाज निकलेगी, जैसे डीप, ठीक है, फीप, जीबन, ठीक है, यानी डीप का मतलब होता है थीप, चोर, ठीक है, फीर का मतलब होता है मैनी, ठीक है, जीवन, सेवन, ठीक है, साथ को कहते हैं आउ, ठीक है, बाओ, ग्राओ, ठीक है, इसकी जो है ना आओ की आवाज निकलती है, बलाओ, शाओ, ठीक है, बाओ कहते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ग्रे, ब्लू, शो, है, शाओ कहते हैं शो को। इसी तरह जो है ना ईयू यहाँ पे आ जाएगा तो वहां पे ओए की आवाज निकलेगी, यानी ओयरो, ठीक है, ओयरोपा, ठीक है, नोए, ट्रोए, ठीक है, ओयरो, ओयरो, हाँ जी, ओयरोपा, ठीक है, यूरोप, ठीक है, नोए, न्यू, ट्रोए, फेथफुल। और इस तरह ए उमलाउट और यू जहाँ पे इकट्ठा आ जाएगा तो वहां पर भी ओए की आवाज निकलेगी, जैसे गेरोइश, ट्रोइलाइन, ठीक है, रोए पर, ठीक है, गेरोइश होता है नॉइज, ट्रोइलाइन होता है यंग लेडी, ठीक है, इस तरह रोए पर होता है रोबर। ये चीजें जो है ना इस तरह यहाँ पर जो है ना टी एस सी एच आ जाएगा, वहां पे चे की आवाज निकलेगी, जैसे स्केच, डॉयच, डॉयचना, डॉलमेचर। इस तरह एस सी एच यहाँ इकट्ठा आ जाएगा, वहां श की आवाज निकलेगी, श्राउबे, श्राउबंद्रे, श्ने, टिश, टिशलर। एस पी जहाँ इकट्ठा आ जाएगा वहां पर जो है ना स्पोर्ट, स्पानियन, स्पेट, स्पास की आवाज निकलेगी। इस तरह एस टी जहाँ इकट्ठा आ जाएगा वहां स्टार्ट, स्टार्ट, स्टूडेंट, स्ट्रासे, ठीक है, सी एच यहाँ पर, ये देखें, इश, शेमी, हाँ जी, तो यहाँ श की आवाज निकलेगी सी एच के लिए जो है। लेकिन ये देखें यहाँ पर अगर लफ्ज़ के आखिर में आएगा तो ख की आवाज निकलेगी, जैसे बाउख, राउख, भूख, भूख। हाँ जी, इसके जो है ना वो मीनिंग भी लिखे हुए सामने, जो बाउख कहते हैं पेट को, राउख कहते हैं धुएं को, भूख कहते हैं और किताब को, भूख कहते हैं यानी बुलंद। इस तरह जो है वो यानी सी एच साउंड बिफोर द लेटर एस, ठीक है, अगर एस से पहले जो है ना अगर सी एच आ जाएगा तो फिर कैसी आवाज निकलेगी, ये फुक्स की आवाज निकलेगी, वुक्स, वाक्स, इसी तरह जो है ना आई ओ एन जो है ये सियोन की आवाज निकलती है, जैसे एरिथियोन, अग्रेथियोन, डेफिनिथियोन, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन, एमोशन, एवोल्यूशन, एक्सप्लोशन, जेनरेशन, इल्यूशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो है ना सियोन की आवाज निकलती है। चलिए, ये भी टॉपिक हमारा कवर हो गया। लेकिन ये चीजें अगर आप कर लें ना तो आप जो है ना वो पढ़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो है ना कोई भी लैंग्वेज होती है उसको पढ़ना चाहिए, जितना हो सकता है ना उसको पढ़ें। हाँ जी, लेकिन वही है कि पहले आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। इस तरह जो है ना वो आप अगले टॉपिक के ऊपर जाते हैं। हाँ जी, अगला टॉपिक जो है ना वो हमारा नाउंस का। हाँ जी, देखें ये जो है ना डेफिनेट आर्टिकल दी, ठीक है, जिस तरह आप डी यूज करते हैं ना इंग्लिश में, इस तरह जो है ना वो जर्मन में भी डी यूज होता है, जैसे डी मैन है, जैसे डी मैन है, डी वो मैन है, डी नाइफ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ना जो है वो डी के लिए तीन लफ्ज यूज करते हैं, डेयर, डी, दस। मैस्कुलिन के साथ डेयर लगाते हैं, फेमिनिन के साथ डी लगाते हैं, नॉइटर के साथ दस लगाते हैं। तो ये जो है ना इसको, लेकिन ये इसके ना चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, बस जो जो आपके दिल में आकर लगा दिए। हाँ जी, इतना नहीं सोचना, ये जो है ना, हाँ जी, बस अगले बंदे के पास जो है ना मकसूद होता है, ठीक है। तो
जो जब आप इस जर्मन लैंग्वेज को सीखते हैं ना, तो ये डेयर डी दस के चक्कर में ना पड़े और ग्रामर को ना ज्यादा ना सीखें। हाँ जी, वो जो ग्रामर के अंदर जो दो तो तीन चीजें हैं ना, जैसे डाटिव है, अकुजाटिव है, नोमिनाटिव है, ठीक है, जेनिटिव है, इसका चक्कर में ना पड़े। हाँ जी, बस जो है ना वो देखें, इसके चक्कर में अभी पड़ जाएंगे ना, फिर लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे जो है आप जो है। हाँ जी, सिंपल सिंपल जो है ना, बस ये लफ्ज़ सीखें और इन लफ्जों का जो है ना वो क्या यूज है, ठीक है। हाँ जी, और जो है जब ये सीख जाए ना आप, तो सीधा ही जो है ना वो आर्टिकल्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल्स यानी जो है ना वो इसी तरह जो है ना जुमले पढ़ने शुरू करें, सेंटेंसेस। शुरू में तो छोटे छोटे जुमले पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर आप जो है ना वो आर्टिकल्स के ऊपर चले जाएंगे। हाँ जी, अच्छा ये ना कुछ थोड़ा सा इन्होंने यहाँ बताया हुआ है, तो इस लफ्ज के एंड के ऊपर जो है ना ये आएंगे ना, ERIGLIMGMUSOR, ठीक है ठीक है। तो वो जो है वो मैस्कुलन होंगे जो है जर्मन लैंग्वेज, जैसे यागर, डेयर यागर, डेयर कॉर्पर, डेयर पैकर, ठीक है। हाँ जी, ये और जिनके एंड पर ये आएंगे लफ्ज, वो जो है ना वो फेमिनन होंगे। हाँ जी, इस तरह जो है ना वो मैन और मिस आएगा जिसके एंड पे जो है, जिस लफ्ज पे जो है, तो वो नॉइटर होंगे। हाँ जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि बस जो है ना वो इसके डेयर दी दस के चक्कर में ही ज़्यादा पड़ना। चलें, ये जो है ना चीज़ है कि अगर आप ये चीज़ें अपने जहन में रखें तो वहाँ पर जो है ना वो आपको आसानी हो जाएगी। हाँ जी, तो इसी तरह चलें ये जुमले पढ़ लेते हैं जो कुछ, देखुविश इस जेयर आज, बादशाह बहुत अमीर है, जनाओ एग्जैक्टली उनके बैकर इस आर, ठीक है। हाँ, ये जनाओ बहुत ज़्यादा यूज होता है, उनके बैकर इस आर, ठीक है। फिलाइश में भी, ठीक है, जो होनिश इस इन ब्राउन, ठीक है, नाइ इस टीमर, ठीक है, देयर होनिश इस टीमर ब्राउन। हनी जो है ना वो हमेशा ब्राउन होता है, ठीक है, शहद हमेशा ब्राउन होता है। कहता नहीं, हमेशा नहीं होता, ठीक है, और भी रंग हो सकता है उसका। ओके, आवर दी मिल्क इज इमर वाइस। हाँ जी, लेकिन जो है वो दूध हमेशा सफेद होता है, रिस्टिश, ठीक है, करेक्ट। हाँ जी, तूने सही कहा, डेयर ताग इस वाइस ऑन दी नख इस श्वास या स्ट्रीट, ठीक है, यानी दिन जो है ना वो सफेद होता है और रात जो है ना वो काली होती है, ठीक है, या स्ट्रीट। हाँ जी, वो जो है ना वो उसकी बात की तस्दीक करता है, वो कहता है हाँ तूने ठीक कहा जो। हाँ जी, ये देखें फिर आगे जो है ना यहाँ पे इन्होंने इनके जो है ना वो लफ्जों के मानी के लिखे हुए हैं। हाँ जी, जैसे देयर क्यूनिश, क्यूनिश कहते हैं जो है वो बादशाह को, जेयर होता है वेरी, बहुत, राइश होता है अमीर, गेनाओ होता है एग्जैक्टली, फिलाइश होता है मे भी, ठीक है। हाँ जी, देयर होनिश शायद भी कहते हैं, ओल्ड कहते हैं और, कहते हैं इंग्लिश में एंड होता है, दे बैकर को कहते हैं, या यस नाइ नो निश नॉट, ठीक है, निश नथिंग इमर हमेशा दी मिल्च, ठीक है, दूध इमर हमेशा दी मिल्च, रिस्टिश करेक्ट, या ताग, ताग कहते हैं दिन को, वाइस कहते हैं सफेद को, दिन नख कहते हैं रात को, श्वास होता है काला, ठीक है, स्टिम्ड होता है करेक्ट, इट इज अ वर्ब, वी विल डिस्कस वर्ब इन कमिंग लेसन। हाँ जी, ये चीज़ हो गया इसी तरह। हाँ जी, ये हमारा टॉपिक कवर हो गया जी, उसके बाद आर्टिकल पे चले जाते हैं। देखिए आर्टिकल्स जो है ना वो क्या है, आर्टिकल यही होते हैं कि वो तो दी मैं, ये देखें ये हमने, ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है इसको जो, ठीक है, डेयर मैस्कुलिन के लिए यूज होता है, दी फेमिनिन के लिए यूज होता है, नोटर के लिए, दस होता है नोटर के लिए, ठीक है। इस तरह जो है वो यानी प्लूरल अगर फॉर्म हो जाए तो उसमें दी यूज होता है हमेशा, ठीक है। हाँ, ये भी जो है ना आपने माइंड में रखा, ठीक है। इसी तरह जो है ना ये कुछ जो है ना वो इनडिस्टिंक्ट आर्टिकल, ठीक है, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। आई जैसे ए मैन, ए नाइट, ए गर्ल, ठीक है, ए वोमेन। हाँ जी, ये जो है ठीक है, बाकी ये आइन को याद रखें बस, बाकी लगा दिया करें कोई मसला नहीं है, आइन आइन है आइन, ठीक है। हाँ जी, आइन बस याद रखेंगे, इस तरह काइन है, काइन निगेशन के लिए यूज होता है, जैसे हेयर इज काइन मान, हेयर इज काइन मान, यहाँ पर एक आदमी है, ठीक
ठीक है, हेयर स्टाइल ना, यहाँ कोई आदमी नहीं है, हेयर स्टाइल मैसर, यहाँ पर जो है ना वो हेयर इज नाइफ, ठीक है, यहाँ पर एक छुरी है, हेयर स्काइन मैसर, यहाँ कोई छुरी नहीं है, ठीक है, तो ये निगेशन के लिए यूज होता है, तो ये काइन, काइन इसको भी जो है माइंड में रख लेंगे, ठीक है, काइन ये एक वर्ड याद रखेंगे, काइन काइन है काइन, ठीक है, मैस्कुलिन के साथ काइन लगता है, फेमिनिन के साथ काइन है, नेउटर के साथ जो है ना वो काइन लगता है। ये इसकी जो है ना फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि फैमिली, हाँ जी चले, काफ़ी है जो है बस, इसको जो है इंशाल्लाह आप खुद जो है ना वो देखें।